जैसे कहते हैं ना कि बाहर हम जब जीते हैं तो पैसा चाहिए, वैसे ही भीतर के जगत में ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा ही आनंद है। आपको शरीर की बीमारी कोई सी भी तरह की दूर करनी है तो ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं है तो बीमारी दूर नहीं कर सकते, फिर आपको सहारा लेना पड़ता है बाहर से, टैबलेट्स का। बट अगर आपके शरीर में ऊर्जा रही तो ऊर्जा सबसे पहले तल पर बीमारियां दूर करती है। ये ऊर्जा को बनाने का ये तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक शरीर में: व्यायाम, भोजन और नींद। तो आज हम व्यायाम को समझेंगे, और ये निश्चित है जिस भी मित्र ने इसे गहराई से किया उनकी किस भी प्रकार की बीमारी हो, फिर आपको अलग से हमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये बीमारी नहीं, अपने आप से ठीक होगी। बट अगर ईमानदारी से समझा तो इस प्रयोग में बिना नहाए कोई इस टेक्निक को नहीं करेगा, और घर के अंदर इसको नहीं करना, खुले आकाश में ही करना। हम नाभि छत का प्रयोग के सात चरण करेंगे। सबसे पहला चरण है ब्रीदिंग। इस प्रयोग में हाथ ऊपर की तरफ रहते हैं, हथेलियां आमने सामने रहती है, इसे सामने नहीं करना, अंदर की तरफ। दूसरी चीज, पैर बैलेंस में, ये इस तरह से अधिकांश हम खड़े रहते हैं टेढ़े, इसको सीधे करना है। जो मित्र जंप कर सकते, जिन्हें कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आधा इंच कूदना होता है। पर अगर आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो जंप नहीं करना है और सिर्फ घुटने मोड़ना है। पंजा एड़ी जमीन से चिपका हुआ रहेगा और सिर्फ घुटने मोड़ना है। इस तरह से देखिए, पंजा एड़ी जमीन से चिपका हुआ है, सिर्फ घुटने मोड़ना है, और हाथों का मूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण पहली टेक्निक में श्वास को छोड़ना है। वो मित्र जो जंप कर सकते, जिन्हें समस्या नहीं है, सिर्फ आधा इंच कूदना है। बाकी जो जंप नहीं कर सकते, सिर्फ पंजा एड़ी जमीन से चिपका रहेगा और घुटने मोड़ते हुए श्वास छोड़ेंगे तेज। अब दूसरा चरण समझेंगे। इस चरण में क्या है, पंजा एड़ी जमीन से चिपके रहेंगे, लंबी और गहरी इसमें श्वास लेना है, और घुर्राते हुए गले से घुर्राना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। कैसे, हाथ ढीले रहेंगे, सिर्फ घुटने मुड़ते हैं। हम नाभि छटका प्रयोग का तीसरा चरण करेंगे। हम अपनी शक्तियों को जगाएंगे, ध्वनि करेंगे, दोनों हाथ नाभि के समांतर ताली बजाएंगे, जोर से घुटने मोड़ते हुए 3 मिनट के लिए करेंगे, तेज करना है। हथेलियां नाभि के समांतर होगी, घुटने मुड़ेंगे, ताली बजेगी। अब एक और प्रयास करेंगे, अपनी आंखों को ऑर्डर देंगे, सिर्फ आपकी हथेलियां देखेगी, और तेज और तेज। स्टॉप। दोनों हथेलियां नाभि के समांतर आकाश की ओर खुली हुई, आंखें बंद, हथेलियों को महसूस करेंगे, आंखें सभी की बंद। विलियम ब्लैक ने कहा है, एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद है, और ऊर्जा को बनाने के कुछ यूनिवर्सल सूत्र होते हैं। थोड़े हमारे ब्रेन की शक्ति को जगाएंगे, चौथा चरण करेंगे, घुटने मोड़ते हुए सिर को तेजी से थपथपाना है। घुटने मोड़े, सिर तेजी से थपथपाए। जिन मित्रों ने चश्मा पहन रखा है, चश्मा उतार दे और ठोके, थपथपाए भी मत, आप तो इतने प्रेम से कर रहे हैं। ठोको सिर को आगे पीछे घुटने मोड़ते हुए, फोरहेड को ठोकेंगे। अब गालों को तेज, आंख नाक मुंह पर, बहुत सुंदर, कानों पर तेज, पुनः सिर पर आगे पीछे तेजी से। हमारे न्यूरॉन्स है, ब्रेन सेल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ऑक्सीजन चाहिए 21%, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो हम कहते हैं ना, सोच ही नहीं पाते, किसी और से डिसीजन लेना पड़ता है। अब हम नाभि छत का प्रयोग का पांचवा चरण करेंगे। हम ताड़ासन करेंगे, आंखों को किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, धीरे से हाथों को इंटरलॉक करके सिर पर रखेंगे, लंबी और गहरी श्वास लेंगे,
और पंजों के बल खड़े होते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे ना, होल्ड योर सेल्फ, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच, श्वास रोक कर रखें, किसी एक पॉइंट पे फोकस करें और ईमानदारी से करें। हम बेमानी बहुत करते हैं, होल्ड करें करें, आप कर सकते हैं। अब धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे, एड़ी नीचे करेंगे, हाथ सिर पर ही रहेगा, धीरे से नीचे सिर पर ले आए। अब नाभि छटका प्रयोग का छठवां चरण करेंगे। हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, हड्डियों में अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो पूरे शरीर में हलन चलन मच जाती है, क्योंकि हड्डियों में बोन मैरो होता है, बोन मैरो आरबीसी बनाती है। अगर आरबीसी नहीं बनेगी तो खून आपकी बॉडी में ट्रैवल किस पे करेगा, और खून ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और ऑक्सीजन के बिना एक भी सेल अपना काम नहीं कर सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस प्रयोग में करना क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, हाथों को पंजों को ऐसे प्रेशर देते हुए दांत भींचना है और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दांत भींचना, आंख भींचना, मुंह से आवाज निकालते हुए पूरा दम लगाना है, पूरा दम, घुटने मोड़े तेज, बहुत सुंदर। नाभि छटका प्रयोग का सातवां चरण करेंगे। हम उकड़ू आसन में बैठेंगे, जिस तरह से हम मल को बाहर करते हैं अपने शरीर में, सबसे ज्यादा इससे घुटने मजबूत होते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है, जो स्टेंट डलते हैं, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये बताती है, ये 6 दिन के कैंप के बाद पूज्य परमाले जी आवश्य शिविर भी लेते हैं, रेसिडेंशियल कैंप, उसमें एक एक चीज की डिटेल वीडियो भी बताते हैं। हम अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते, सोचिए ऐसे बैठ भी नहीं पाते, और पहले के जमाने में कहते थे भोजन भी इस तरह से करते थे तो ज्यादा खा भी नहीं पाते थे,